निशाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के लिए जो 2021 ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक आई है उसका साइंस 1 के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 ग्रेविटेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है, तो ये सारे एमसीक्यू सारे हमने उसमें कवर किए हैं। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, तो वहां पे हमने जितना पार्ट कवर किया था, ये देखिए ट्रू और फॉल्स था, ये सब कवर किया था। हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि कंप्लीट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, मींस इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सारे 20 चैप्टर्स है साइंस 1 के 10 और साइंस 2 के 10 चैप्टर्स पूरा चाहिए तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पे सारे वीडियोस अपलोड हो गए और इसकी फीस है सिर्फ 2999। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट द ऑफिस। सो ये डिटेल्स है, सो वी होप कि आप इसका फुल फायदा उठाएं। इट्स नॉट मच, और ये पूरा एक मंथ जो हमारे पास है अभी एग्जाम से पहले, तो हम सारे चैप्टर्स उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बैंक अब तक आई नहीं है, क्वेश्चन बैंक अब तक मराठी में है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके पूरे आंसर्स मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया है पूरा आपको देंगे, पीडीएफ भी देंगे। तो अलॉन्ग विथ द डिस्कशन जो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो तो है, उसके अलावा ये भी होगा आपका कि हर एक क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसका पूरा पीडीएफ भी दिया जाएगा फॉर ऑल 20 चैप्टर्स ऑफ साइंस। तो ये गिव रीजन भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब आ रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट वन। सो गिव रीजंस भी दो दो मार्क्स के, अब ये सॉल्व द फॉलोइंग है, ये भी टू मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, कंप्लीट द टेबल बिलो रिगार्डिंग द वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अगर अर्थ पे होगा और मून पे होगा तो उसका मास कितना होगा और वेट कितना होगा। तो हमें दिया हुआ है जो ये ब्लैक में लिखा है एक्स और वाई दिया हुआ है, ये दो बॉक्सेस हमें भरने, और ये दो बॉक्स सिर्फ भरने के लिए, मतलब आपको ये टेबल पूरा कॉपी करके रीराइट करना होगा, ये दो बॉक्सेस में आपको भरना होगा ब्लैंक्स में यहाँ पे करेक्ट वैल्यू जैसे यहाँ दी गई है, इसके आपको टू मार्क्स मिलेंगे। दिस इज टू मार्क क्वेश्चन, सिर्फ आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ये वैल्यूज लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये सब रट्टा नहीं मार सकते, आपके पास पीडीएफ है भी और आपको ये पता भी है ऐसे कि हाँ ये आंसर आएगा, आप कहीं पे कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, मास और वेट के बारे में। मास एक्चुअली इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, वेट वेरीज एज पर द प्लैनेट। अर्थ पे वेट अलग होता है, मून पे वेट अलग होगा, और कोई प्लैनेट पे वेट अलग होगा, तो मास रिमेन सेम। तो अगर मास अर्थ पे एक्स है तो मून पे भी एक्स होगा, और अगर मून पे मास वाई है तो मून पे 1/6 होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1/6 होता है, तो वेट भी 1/6 होता है। तो यहाँ पे अगर वाई है तो अर्थ पे 6y होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, अगर मास वेट का आपको लगता है सिलेबस कैंसिल हो गया है तो ये नहीं आएगा, पर अगर आ भी जाए तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जरा भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ऑलरेडी पता है, हमने इसको एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है, ये बेसिक है। केपलर्स लॉज है 3 और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके का क्वेश्चन में ये बार बार आता है। तो अभी यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब हर दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो कितना होगा विद अ डेफिनेट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट से हमारा ये डायग्राम भी है m1 m2, अगर उन दोनों का मास है तो दो मासेस का अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब m1 into m2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो ये है, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको हमें सिर्फ लिखना है और ये दो मार्क्स हमें मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन है 3 मार्क क्वेश्चन में भी है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखिए और उसका फॉर्मूला भी लिखिए, तो वो 3 मार्क का हो जाता है, है ना, तो वो भी हम आगे देखेंगे। 3 मार्क क्वेश्चन भी है ना, तो ये m1 m2 / d² जो हम करते हैं ना वो वाला फॉर्मूला है, तो ये प्रोपोर्शन का है। अगर हम इक्वल टू साइन डालनी है तो हमें कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल जी वो डालना होगा। तो ये है, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे तो और ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आपको ये अभी पता ही होना चाहिए, बहुत इजी है मेन फॉर्मूला। अगर हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने तो F=G m1 m2 / d², तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का वो डी स्क्वायर आता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो डिनोमिनेटर पे जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3,
Define acceleration due to gravity and write the average value of acceleration due to gravity on the surface of the earth. तो definition चाहिए. Acceleration due to gravity क्या होता है? Force की वजह से acceleration होता है. तो अगर gravitational force of the earth की वजह से कोई acceleration हो रहा है, तो उसे acceleration due to gravity कहते हैं. So the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration, which is called acceleration due to gravity. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो इम्पोर्टेंट है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है जो अर्थ हमें खींचती है ना. जैसे हम अगर बॉल ऊपर फेंकेंगे तो बॉल नीचे आता है. क्यों नीचे आता है? अर्थ उसको पुल करता है. दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी. तो वो एक्सेलरेशन जो आया, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड से वो नीचे आता है ना, वो स्पीड वेरी होकर होकर नीचे आके फिर स्टॉप हो जाता है. तो वो एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन स्पीड. तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट है. कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे फॉर्मूले में आया ऊपर, वो कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है. आगे हम देखेंगे. और एक सवाल है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम देखेंगे. तो ये याद रखो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. और सेकंड पार्ट क्या? राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एवरेज वैल्यू कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? एक जनरल वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. इसको जनरली अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है तो भी हमें दिया हुआ होता है कि टेक इट एज 10. तो 9.8 इज ऑलमोस्ट नियर 10. तो ये है एवरेज वैल्यू. तो ये हमें लिखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन्स ऑन अर्थ, देन व्हाट इज हिज वेट ऑन द मून. तो ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, तो आप वहां से ये देख के कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली सॉल्व एग्जाम्पल. इवन महेंद्र एंड विराट का भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया. महेंद्र विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. तो हमारा जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो m1 m2 दोनों का मास भी दिया है, जी भी दिया है, अपॉन डी स्क्वायर. तो डी नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, वो भी दिया हुआ है ना. तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू दिए केजी में, मीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ कैलकुलेट करना और ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढना है. तो ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, वहां से आप ये देख सकते हैं. ये देखो, ये महेंद्र एंड विराट वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क के लिए पूछा है वहां पे क्वेश्चन बैंक में. तो यही आपको करना है. सेम वैल्यूज है 75 80. तो ये तो m1 m2 है, कैपिटल जी भी दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस स्क्वायर है या आर स्क्वायर लो तो वो भी आपका दिया हुआ है. डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर आएगा. तो ये वैल्यू है. कैलकुलेशन के बाद की वैल्यू भी आपको ये पता होनी चाहिए. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट. तो ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है. और पेज 10 का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं. ये देखिए, ये पेज 10 पे. इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन्स ऑन द अर्थ, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन मून. है ना, तो मास ऑफ मून दिया हुआ है सब वैल्यूज. तो ये वही है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर जो है. देखिए यहाँ पे वेट ऑन अर्थ mg है. mg मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेट, mg. तो g हमें पता है gmm अपॉन r स्क्वायर ना. तो ये gmm अपॉन r स्क्वायर वही वेट मतलब फोर्स ही होता है. वेट का यूनिट भी न्यूटन्स होता है ना. तो दिया हुआ है 750 वेट है 750 न्यूटन. तो वो gmm अपॉन r स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला आएगा हमारा. तो ये देखिए वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून लिया है. तो दोनों का कैलकुलेशन करके ही हमें रिलेशन पता है. मतलब mm अपॉन me अपॉन mm कितना है, re अपॉन rm कितना है. तो वहां पे फॉर्मूला जो हमें वेट ऑन मून लगाएंगे ना, तो mm अपॉन rm जो है उसकी जगह हम me के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे जब वो कैलकुलेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उतना mm me कितना है रेशियो. तो उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो गया, हमें आंसर मिलता है. अगर इसका भी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो डिटेल्ड सॉल्व एग्जांपल्स का भी एक कंप्लीट वीडियो है. ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल्स का सॉल्व एग्जांपल्स का भी एक वीडियो है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो है. तो वो आप रेफर कर सकते हैं यहाँ पे. तो सिर्फ यही नहीं, काफी सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल सब क्वेश्चन बैंक में. तो न्यूमेरिकल्स आप वो सेपरेटली उन वीडियो से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते. सिक्स्थ क्वेश्चन, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये देखिए क्या दिया है. रीड्रॉ द फिगर बाय करेक्टिंग द एरर. तो अभी ये एक्चुअली क्वेश्चन आप अगेन सोचोगे कि ये तो डिडक्टेड सिलेबस में से, पर ये भी इंटरेस्टिंग है. ये देखिए, पर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ये भी एक्चुअली जो हाई टाइड लो टाइड होती है ना पानी पे, तो अर्थ के ऊपर जो पानी है ओशंस में, तो उसके ऊपर हाई टाइड लो टाइड एक्ट करती है. तो हाई टाइड को भरती कहते हैं और लो टाइड को ओहोटती. मतलब ये इधर लो टाइड, हाई टाइड लिखा होना चाहिए या लो टाइड, ये मराठी में लिखा है. तो हमारे डायग्राम में ऐसे होगा,
और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी ऊपर उठता है और हाई टाइड आती है अर्थ पे. तो ये मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, चंद्राचे गुरुत्वीय बल मतलब के मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मून है. तो एक्चुअली मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो बल्कि होती नहीं होगी, भरती होगी, हाई टाइड होगा. तो वो एरर है. क्वेश्चन क्या है, स्पॉट द एरर इन द रीड्रॉ द फिगर बाय करेक्टिंग द एरर. तो ये हमारा करेक्ट फिगर ये आएगा. बस 2-4 मिनट लगती है इसको समझने को, है नहीं एक्चुअली आपके सिलेबस में, तो होपफुली क्वेश्चन 2021 में नहीं आना चाहिए, पर ये सिलेबस में ओवरऑल तो है ही, सिर्फ 2021 एग्जाम के लिए ये डिडक्टेड सिलेबस था. तो ये देखिए, ये भर्ती है तो यहाँ पे आना चाहिए, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स भर्ती की तरफ, नॉट अप इधर जहाँ पे हाई टाइड है. तो देखिए इंग्लिश में भी है, अगर डायग्राम आपको चाहिए तो हाई टाइड है, ये लो टाइड है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग. जहाँ एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून उस तरफ हाई टाइड होगी, दूसरी साइड पे लो टाइड होगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो है, और ये आपको अगर लगता है कि इन्होंने ये सवाल क्यों पूछा है, क्या ये डिडक्टेड सिलेबस में से नहीं है, तो बोर्ड ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर क्वेश्चन बैंक में कोई ऐसा सवाल है जो डिडक्टेड सिलेबस का है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. पर इतने कोई डिफिकल्ट पार्ट है भी नहीं वो कि इग्नोर करें हम. तो ये देखिए अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, प्लैनेट एक्स विच हैज अ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. तो प्लैनेट एक्स और अर्थ के रेडियस का रिलेशन और मास का रिलेशन दिया है. इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट एक्स. अब ये क्वेश्चन जो है ये ना आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स का है, ना ही ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स का है. तो ये अलग क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन दिया है, 2 मार्क का सवाल है और बहुत ईजी, हम इसे अभी सॉल्व करेंगे. ये देखिए गिवन क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट एक्स अगर हम आर एक्स ले रहे तो इज इक्वल्स टू आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ है ना. मास ऑफ प्लैनेट एक्स अगर एम एक्स ले रहे तो इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, 4 टाइम्स एम ई. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का दिया है वीई, वीई स्मॉल ई एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी के लिए होता है, वी मतलब वेलोसिटी और ई मतलब एस्केप वेलोसिटी, तो कैपिटल ई मतलब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, तो वीई लिखा है मैंने इसको. और हमें ढूंढना क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एक्स मतलब वीई एक्स. ठीक है, तो अब इसे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखिए, हमें कौन सा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, तो सिर्फ हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू √2gm/r. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बस उसके अंदर फिर सब्स्टिट्यूट करना है अर्थ के लिए और प्लैनेट एक्स के लिए भी, ये √2gme/r हो जाएगा, ये mx/rx, और ये तो हमें ऑलरेडी पता है 11.2 × 10³ है ना एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ. तो ये देखिए यहाँ पे √2gmx/rx है, तो mx की जगह हम क्या लिखेंगे, mx कितना है, mx इज इक्वल्स टू me, 4 me, तो ये 4 टाइम्स me लिख दिया mx की जगह पे, और rx सेम एज आ रही है तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यहाँ 4 जो है 4 रूट के अंदर है, 4 बाहर जाके 2 बन जाएगा, और बाकी का 2gme/r सेम है ve ऑफ अर्थ है ना, तो इसकी जगह ve ऑफ अर्थ लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 11.2 × 10³. तो 11.2 × 2 = 22.4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट एक्स. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर है, तो इजीली आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकते हैं. ये इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बात कर रही थी, डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है इस चैप्टर से, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मतलब हमारा कैपिटल जी, तो एक पॉइंट तो यही है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हमने वैल्यू याद की है 6.673 × 10⁻¹¹, ये हमारा एमसीक्यू में भी सवाल था कभी, ये वैल्यू चेंज करके ऑप्शन में 4 में से 1 ऑप्शन में ये वैल्यू चेंज हो जाती है, या इसकी यूनिट्स की यहाँ पे मीटर पर केजी कर डालते हैं, वैसा चेंज कर देते हैं, तो हमें ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी. तो डिस्टिंग्विश में भी हम ये पॉइंट डाल सकते हैं वैल्यू ऑफ जी है ना, तो ये डिनोशन बाय कैपिटल जी स्मॉल जी यूनिट क्या है वो एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया, और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है जी की वो लिख सकते हो. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमने अभी देखा ना एवरेज वैल्यू अर्थ पे कितनी है, तो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मून पे कितनी होगी इसकी 1/6, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 1 = 6 और ये 38, 6 × 6 = 36, 2 और बचा तो 1.63 ऐसे कुछ आएगा है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, यही एक और एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन यही है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट एट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होता है स्मॉल जी, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, हाइट पे और कम हो जाता है, डेप्थ में जाते तो बढ़ते जाता है. तो ये सब हमने ऑलरेडी किया. तो इट वेरीज, हमारा एक ही पॉइंट लिखना है कि ये वेरी करता है, ये कॉन्स्टेंट है. तो चार पॉइंट्स तो हमने ये देख ली. फर्स्ट पॉइंट उनका डेफिनेशन है, तो बहुत ही इजीली हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम ये यूज करते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरह यूज होता है, ये इसका डेफिनेशन है. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी अभी हमने देखा था 2 मार्क क्वेश्चन में भी, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये फर्स्ट पॉइंट इनका डेफिनेशन का. फिर वैल्यू ये कांस्टेंट रहती है, वैल्यू चेंज होती है, ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, इसकी यूनिट और वैल्यू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू एक ही वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कैसे अलग अलग अर्थ पे और मून पे कितनी है वो हम स्पेसिफिकली खाली लिख सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स. इफ यू राइट एनी 4 पॉइंट्स टू यू गेट 2 मार्क्स. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आता है राइट नोट्स ऑन. तो इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे, एस्केप वेलोसिटी और फ्री फॉल पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है. तो ये दोनों हम देख लेंगे. तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का देखेंगे. तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है द मिनिमम वेलोसिटी, या मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ. अर्थ का फोर्स हमें नीचे खींचता है, तो अगर एक वेलोसिटी मिनिमम एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी हो कि वो ऑब्जेक्ट उस पुल को एस्केप कर सके, ओवरकम कर सके, सो दैट इट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर विदाउट फॉलिंग बैक, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. तो ऑन द अर्थ एस्केप वेलोसिटी ऐसे हुआ, एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ बेटर. एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो यहाँ हमने मिनिमम लिखा और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है सर्फेस ऑफ द अर्थ से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी की बराबर है उससे ज्यादा होगी तो इट विल एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, स्पेसक्राफ्ट में. स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू मून और अदर प्लैनेट्स, जिसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करना है और आगे जाना है, मून की तरफ जाना है या मार्स की तरफ या कोई भी प्लैनेट की तरफ जाना है. तो द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू मून और अदर प्लैनेट्स हैव टू हैव देयर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द एस्केप वेलोसिटी. सारी स्पेसक्राफ्ट नहीं, स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ के ऑर्बिट में नहीं रहेगी, अर्थ को ऑर्बिट नहीं करेगी पर और प्लैनेट्स को जाएगी, और सैटेलाइट को या और कोई सेलेस्टियल बॉडी को जाएगी, जैसे कि मून और अदर प्लैनेट्स. तो स्पेसक्राफ्ट्स हैव टू हैव द इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द एस्केप वेलोसिटी सो दैट दे कैन ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू दीज ऑब्जेक्ट्स. तो ये है. तो ये 3 पॉइंट्स हमारी हो गए और हम लास्ट पॉइंट हमारी एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे एक कांस्टेंट ही है ये. हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हमने ट्रू और फॉल्स वगैरह में भी देखा है. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने अभी देखा, √2gm/r. तो वहां पे कहीं पे भी हमको जी इज कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, m इज मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट. तो एस्केप वेलोसिटी में स्मॉल m नहीं चाहिए, वो ऑब्जेक्ट का मास से कुछ फर्क नहीं पड़ता. अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा बड़ा कैसा भी, उसको एस्केप करने के लिए ये वेलोसिटी चाहिए. तो एस्केप वेलोसिटी ऑन सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 km/s. तो ये हो गया शॉर्ट नोट, हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, दैट्स इनफ. देन नेक्स्ट इज फ्री फॉल का शॉर्ट नोट. तो फ्री फॉल का शॉर्ट नोट हम क्या लिखेंगे, कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल. तो अगर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं. तो इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, शुरू करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है एंड देन इट फॉल्स ऑन द अर्थ, तो इट गोज ऑन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल दो फोर्सेस होते हैं, हमने देखा है फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स, ये दो फोर्स नहीं एक्ट करते. ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट एंड अ बॉयंट फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. सो ऑन अर्थ अगर हम बोलेंगे अगर के ऑब्जेक्ट को ऐसे गिरा रहे, कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, फिर भी फोर्सेज होते फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स. तो अर्थ पे ऐसा इन जनरल फ्री फॉल नहीं होता. ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. तो ये हमारा आंसर हो गया. ये टेक्स्ट बुक से ही पूरा लिया है हमने. फिर नेक्स्ट आए हमारे 3 मार्क के क्वेश्चंस. ये देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये हमारा केपलर्स लॉ का ही क्वेश्चन है. ये देखिए डायग्राम है. तो ये प्लैनेट है, यहाँ पे ये सर्कल प्लैनेट है, इसका पोजीशन ऑर्बिट पे चेंज होते रहेगा, ए से बी पे जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, सी पे, डी पे, ई एंड एफ, इट विल गो अराउंड इन दिस ऑर्बिट.
है ना, ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा। और सन का होता है एट वन ऑफ द फोकाई, तो ये एलिप्स में दो फोकाई होते हैं, जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो पॉइंट्स होती है, दो फोकाई, इट्स कॉल्ड फोकस, तो दो को फोकाई कहते हैं। तो सन इज वन एट वन ऑफ द फोकाई, है ना, एक पॉइंट यहाँ होती है एक पॉइंट यहाँ, तो सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। तो ये हमारे केपलर्स लॉ का डायग्राम है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, 3 मार्क का सवाल है, 3 सवाल है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट के लिए हमें केपलर्स फर्स्ट लॉ लिखना है। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस, ये केपलर्स फर्स्ट लॉ। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कि स्पीड कैसी है, मतलब क्या होता है एक्चुअली ये केपलर्स लॉ में, ये क्या है, ये तीन जो हमारे शेडेड रीजन है, ये 1, 2 और 3, तो इसमें क्या है, ये शेडेड रीजन जितना एरिया है ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। तो इक्वल एरिया है मतलब क्या, कि ये जो ए से बी तक जब प्लैनेट पहुंच रहा है, तो इसको यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, सी टू डी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ई टू एफ और कम। तो कैसा हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन यहाँ पे जल्दी फास्ट मूव होने लगता है, मतलब सन के पास आता है प्लैनेट तो फास्ट मूव होने लगता है, दूर जाता है तो स्लो, ज्यादा दूर जाता है तो और स्लो हो जाता है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड सेम है, ए टू बी जाना, सी टू डी और ई टू एफ, है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हमारा केपलर्स लॉ से हमें ये अंडरस्टैंडिंग है ही। तो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब स्पीड ऑफ द प्लैनेट ज्यादा होगी और डिस्टेंस फ्रॉम द सन कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, केपलर्स थर्ड लॉ में लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो प्लैनेट कितना दूर है उसका डिस्टेंस का क्यूब लेना है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम जो है वो कितना टाइम लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द मीन डिस्टेंस। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो एग्जैक्टली हमें अगर स्पीड से चाहिए, ये टाइम पीरियड से, कैपिटल टी से रिलेशन दिया है डिस्टेंस का, अगर स्पीड और डिस्टेंस का चाहिए तो स्पीड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड है। तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी, हम हमारे स्टेटमेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक का ये एक प्लस थर्ड लॉ है, उसके बाद हम ये एक सेंटेंस और भी एड कर सकते हैं हमारे आंसर के लिए। फिर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एरियाज ए एस बी सी एस डी एंड ई एस एफ। तो जैसे मैंने बताया तीनों एरियाज इक्वल होती है, तीनों को टाइम सेम लगा ना, ये ए टू बी जाने को, सी टू डी और ई टू एफ। तो ये जो एरिया है ना शेडेड रीजन, ये तीनों एरियाज इक्वल है, ये केपलर्स सेकंड लॉ है एक्चुअली। यहाँ पे हमारा आंसर भी लिखा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। तो मतलब ए टू बी जाने में, सी टू डी जाने में, मतलब सन से अगर पॉइंट लाइन पॉइंट ए को कनेक्ट किया, मतलब सन से ए, ए एस सी एस ई एस, ये तीन लाइन से, ए एस से जाता है बी एस तक, मतलब एरिया कितनी कवर हुई, ए एस बी, सी एस से डी एस तक, मतलब ये सी एस डी एरिया कवर हुई, और ये ई एस एफ, ये तीनों एरियाज इक्वल है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दीज एरियाज, तो ये कैसे इक्वल है, क्योंकि हमारा केपलर सेकंड लॉ ये बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये तीन, ये जो है ना, ये तीन लाइंस है जो कवर, आर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए बी, ए टू बी, सी टू डी, ई टू एफ। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर होता है। तो स्ट्रेट लाइंस कौन सी, ये ए एस, सी एस, ई एस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ये तीन लाइंस जो है हमारी, दे स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे है ना, ये ए एस है, ए एस इज स्वीपिंग दिस एरिया, ए एस बी एस तक जाता है ना, तो ये एरिया स्वीप होता है, और ये सी एस डी एस तक जाता है ऐसे एरिया, और ये ई एस एफ एस तक जाता है। तो दीज आर द लाइंस, सो दीज लाइंस स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो देयरफॉर दीज एरियाज आर इक्वल। सिंपली आंसर। तो तीनों क्वेश्चन मतलब केपलर्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, और 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली वो डायरेक्टली पूछा है, राइट केपलर्स लॉस। तो वो तीनों सेम लॉस जो हमारे अभी हमने डिस्कस किए, वही हमें तीनों फिर से लिखे। तो ये हमारा फिर से 3 मार्क का आंसर, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का 3 मार्क का सवाल भी है, कि यूनिवर्सल लॉ भी लिखो और फॉर्मूला भी लिखो। तो लॉ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये डायग्राम भी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में, वो भी हम बना सकते हैं, और फॉर्मूला
लिखो, राइट द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर. तो ये प्रोपोर्शन का कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम डालेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना. तो फिगर लिख के हम यहाँ पे, क्योंकि एम वन एम टू क्या है वो हमें बोलना पड़ेगा ना, कि एम वन क्या है, मासेज है एम वन एंड एम टू. तो टू ऑब्जेक्ट्स मासेज एम वन एम टू आर कैप्ट एट डिस्टेंस डी अपार्ट. तो मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ कितना होगा वो लिखा है यहाँ पे, एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू डालेंगे तो कैपिटल जी आ जाएगा, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये हो गया, ये 3 मार्क का सवाल है. फिर से फिर नेक्स्ट जो सवाल है ये देखिए, क्वेश्चन 4, 5, 6, ये डायरेक्टली लाइन से आपके टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से वो है, पेज 15 से. ये देखिए एक्सरसाइज न्यूमेरिकल जो है ना हमारे यहाँ पे, वर्ड टू वर्ड सेम है, वैल्यू फिगर कुछ नहीं बदला है. An object takes 5 seconds. तो ये वाला सवाल. An object takes 5 seconds. तो line से question 5 का A, B, then C, D, E, F, and G. सारे सवाल यहाँ पूछे गए. तो आपके टेक्स्ट बुक A, G तक सारे same to same सवाल without even changing values have been asked in the question bank. तो अगर आपको ये exercise numerical समझना है तो उसका separate video आप देख सकते हो. हमारा सारे numericals explained है उसके, all 6. फिर उसके बाद हमने जी और एक क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का है, ये पेज 12 के टेक्स्ट बुक पे सॉल्व एग्जांपल है टेनिस बॉल का. तो ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया, और आपके सॉल्व एग्जांपल्स के वीडियो में भी आप ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. सो टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर. तो हाइट एस को हमने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, और ये टेनिस बॉल कहाँ ऊपर फेंका, ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, तो ये हमें सॉल्व करना है. तो हमें क्या क्या ढूंढना है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन टू गो अप विल बी सेम एज टाइम टेकन टू कम डाउन, ये हमारा है ये स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग. तो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन हमें ढूंढना है ना. ये देखिए टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले जाता है अगर अपवर्ड्स जा रहा है, तो अगर मूविंग अपवर्ड्स तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्ट डाउनवर्ड्स. तो अगर ये उल्टा है तो इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी. ये गिव रीजन में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हमें साइन नेगेटिव लेनी पड़ती है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड्स है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो वो एक हाइट पर जाकर रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है. तो ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स के लिए दो याद रखना, जी माइनस 10 लेना एक्सीलरेशन और वी 0. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहले न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. तो यहाँ पे हमें मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी जो हमें ढूंढना है, तो वी दिया हुआ है, यू ढूंढना है, और जी माइनस 10 करके ये एस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट डाल दी 4.05. तो ये आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 40.5, दैट इज 81. तो यू स्क्वायर इज 81, यू इज 9 स्क्वायर रूट, तो 9 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, ये हमें मिल गई. ये 3 मार्क का सवाल है, तो ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद हमें और एक फॉर्मूला यूज करके हमें क्या ढूंढना है, टाइम टेकन. तो ये तो टाइम टेकन टू गो अप है 0.9 सेकंड आया. देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे भी माइनस 10 आएगा जी की जगह पे, v 0 है, तो टाइम मिल जाएगा. टाइम इज 9/10, दैट इज 0.9 सेकंड. टाइम टेकन टू गो अप इज 0.9 सेकंड, सेम टाइम इज टेकन टू कम डाउन, तो टोटल टाइम टेकन विल बी 2t, दैट इज 1.8 सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ढूंढा यहाँ पे, और टोटल टाइम टेकन भी ढूंढ लिया. तो ये हमारा सॉल्व एग्जांपल है, एक्सरसाइज में भी सॉल्व, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व है, वो भी आप देख सकते हैं. दिस इज हाउ यू डू इट. तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन कम्प्लीट हुए इस चैप्टर से. अब देखते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन. फिर से एक बार रिमाइंडर दैट अगर आपको सारे चैप्टर्स के ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स के वीडियोस भी चाहिए और पीडीएफ्स भी चाहिए, यू कैन ज्वाइन अ बैच. इफ यू सपोर्ट अस वी कैन वर्क ऑन दिस एंड मेक इट हैपन. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पूरा महीना हम इसको यूज करेंगे और हम इसको कंप्लीट करके आपको जल्द से जल्द देंगे सारे चैप्टर्स का. सो हर एक चैप्टर का बनाने से कम 1 दिन लगता है, एटलीस्ट 8 to 10 hours. सो इट्स हार्ड वर्क एंड वी नीड सपोर्ट फॉर दैट. ठीक है, अभी 5 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. तो ये है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टोन इन अ हैंड द स्टोन वाज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स. मतलब ग्रेविटी हर एक चीज पे, हमारे हाथ में भी स्टोन होगा उस पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी. पर वो ग्रेविटी से नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट वी वर अप्लाइंग ऑन इट.
इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना. एज अ रिजल्ट स्टोन रिमेन्स एट रेस्ट. कभी कभी बहुत हैवी चीज होती है तो हमारे उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसे उठा सके, तो ग्रेविटी तो उसे नीचे पुल कर रही है, हम उठा नहीं पा रहे. तो अगर हम फोर्स, छोटी ऑब्जेक्ट है, हल्की ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स लगा सकते हैं उस पर, तो वो उठ जाती है हमारे पास, तो बैलेंस हो जाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर देता है, से बैलेंस, हम उसको बैलेंस कर देते हैं विद आवर फोर्स, विद द फोर्स व्हिच वी अप्लाई. लेकिन वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम हैंड, अगर हाथ से छोड़ दिया उसको, तो ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. So whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely. ये हमारा free fall का definition हो गया. Thus the released stone is in a free fall. तो in free fall initial velocity zero होती है, फिर धीरे-धीरे उसकी velocity increase होती है, acceleration मिलता है उसको, acceleration due to gravity की वजह से, and then it reaches the surface of the earth. So during free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object. तो ट्रू फ्री फॉल जैसे हमने देखा ना, इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. तो अर्थ पे अगर हम फ्री फॉल ये कर रहे हैं, अगर वो गिर भी रहा है, तो और दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड बॉयन फोर्स. तो ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. तो ये वाला पैसेज हमारी टेक्स्ट बुक से ये दिया हुआ है. ये पैसेज पढ़ के हमें 5 मार्क्स का ये सवाल है, 5 आंसर्स देने हमें और 5 मार्क्स मिलेंगे. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो ऐसा सवाल आपको अगर बोर्ड में आया भी, तो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है. ये देखिए, ए है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन. तो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या है, द स्टोन हेल्ड इन हैंड इज स्टेबल बिकॉज, और चार ऑप्शंस दिए, चारों में से कौन सा है कि हैंड में स्टोन स्टेबल क्यों रहता है. टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर यूज्ड, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज यूज्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट यूज्ड, टू बैलेंस्ड फोर्सेस आर यूज्ड. तो हमने अभी पढ़ा पैसेज में कि बैलेंस्ड हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारा फोर्स, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हाथ में स्टोन रह जाता है. Stone is held in hand. तो D answer आएगा इसका. Two balanced forces are used. तो ये 1 mark हो गया. बाकी 4 marks के लिए देखिए, एक एक mark का सवाल है. Why can't there be a free fall on earth? तो वो भी हमने देखा ना, buoyant force or frictional force. Same हमें उसमें से passage से copy करके लिखना है. There cannot be free fall on earth because during free fall on earth, the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts on the object. पूरा passage से लिखा है. हो गया. Why does the velocity of the object increase while falling freely? Velocity, initial velocity object ki zero hoti hai and it goes on increasing. Q, why? Wo bhi text mein hi likha hai, textbook ke passage mein hi likha hai. Okay? Acceleration due to gravity of the earth. Dekhiye ye. So object moves and ye dekhiye. Kahan gaya? Na, it is balanced by force that we are applying. So balanced force, ye first answer bhi yahan pe hi hai. Hai na? Aur ye dekhiye. फ्री फॉल, इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू, क्यों इंक्रीज होता है, एक्सेलरेशन क्यों मिलता है उसको, वेलोसिटी इंक्रीज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. तो वही हमारा आंसर है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाई डज द वेलोसिटी इंक्रीज, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल. During free fall, only force that acts on the object is gravitational force of the earth. तो ये है. और why is free fall possible only in vacuum? तो वही है ना, frictional force, buoyant force act करता है in general. तो vacuum में ये दो forces नहीं act करते. तो free fall is possible only in vacuum because presence of air की वजह से ये होता है. Atmosphere जब होगा तो frictional force और buoyant force आएगा. Vacuum में atmosphere, air कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे ये forces नहीं आएंगे. तो true free fall is possible only in vacuum. तो ये हमारा answer है. 5 मार्क्स हमारे मिल जाते हैं. फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जैसे 2 मार्क का टेबल हमने देखा था, 5 ब्लैंक्स भरने में हमें 5 मार्क्स, दो ब्लैंक भरने में 2 मार्क्स मिलते थे. यहाँ 5 ब्लैंक्स मतलब 5 यू नो रीअरेंज करने में हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, सिर्फ ये टेबल हमको रीराइट करना है. ये देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्रीज इन ऑल द 3 कॉलम्स इन द टेबल बिलो एंड रीराइट द टेबल अकॉर्डिंगली. तो डायरेक्टली हमारे ये टेक्स्ट बुक का कॉलम, ये टेबल लिया गया है हमारे, ये देखिए page 9 पे ये टेबल है हमारा. तो सेम टेबल हमारा क्वेश्चन बैंक में है, सेम टेबल है, लेकिन ये सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है. तो ये column 1 क्या है, प्लेस. प्लेस कैसा, सर्फेस ऑफ द अर्थ से धीरे धीरे ऊपर जा रहे, माउंट एवरेस्ट माउंटेन पे, फिर हाइट ऑफ अ बलून कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, वेदर सैटेलाइट और पास होती है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ से सर्फेस से सबसे दूर होती है, सबसे ज्यादा हाइट पे. तो हाइट के हिसाब से ये अरेंज है. तो ये कॉलम तो सेम ही रहेगा, हमें ये कॉलम को हाइट में अरेंज करना है. कॉलम 2 में हाइट है, तो ये उल्टा पुल्टा दिया है.
ना, हमारी टेक्स्ट बुक में देखे कैसा है 0.8.8, तो ये हमें रीअरेंज वही करना है, हमारा क्वेश्चन ऐसा है तो हमारा आंसर ऐसे आएगा, इसको हमको रीअरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ के सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाइट कितनी होगी 0, फिर नेक्स्ट नंबर है 8.8, फिर 36.6, फिर 400 और 35,700, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एट दिस हाइट। ये हमारा 10th चैप्टर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें हमने देखा भी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वैल्यू याद भी होनी चाहिए आपको, और ये चैप्टर 1 ग्रेविटेशन में भी है। तो ये हाइट के हिसाब से हमने वंस अरेंज कर दिया, ये कॉलम तो सेम ही रहेगा, और ये कॉलम भी उल्टा करके नहीं, ये सेम क्वेश्चन आपको देंगे बोर्ड में अगर आया तो। तो हमें सिर्फ इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि सर्फेस ऑफ द अर्थ पे हाइट सबसे कम 0 होगी और ये 35,700 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट पास होती है। कॉलम 3 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उल्टा रिलेशन है, अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा होगा और धीरे धीरे कम होगा, तो इनको सब सबको हमको उल्टा अरेंज करना है, मतलब 9.81 सबसे बड़ा है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे, फिर 9.8, फिर 9.77, फिर 8.7, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो बहुत दूर है अर्थ से। तो बस ये दोनों कॉलम को रीअरेंज कर दिया ऐसा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा ये 5 मार्क का सम सॉल्व हो गया, ये बस ये कॉलम फिर से रीअरेंज करके हमने बना लिया और हमें 5 मार्क्स मिलेंगे अगर ये सब सही से किया तो। दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन। तो बस यही है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बैंक का कवरेज है फॉर चैप्टर 1 ग्रेविटेशन खत्म होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।